एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। इट्स मी शू हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज की वीडियो के अंदर मैं बनाने वाली हूँ नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश किससे बनाने वाली हूँ? ऑयल पेस्टल कलर्स से। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें यूज किया जाए और देखा जाए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसीलिए आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ और जो रिजल्ट होगा ना, सच्ची यार रिजल्ट देख के ना आप अमेज हो जाओगे। एंड तक वीडियो को देखना, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं ऑयल पेस्टल कलर्स जो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ, ये यूज किए हुए हैं। सो फर्स्ट कलर जो यहाँ पे मैं चूज करने वाली हूँ वो है ये पिंक, और उसी के साथ यहाँ पे लाइट ब्लू कलर लेने वाली हूँ मैं। अब मैं एक स्पून ले लूंगी और इक्वल क्वांटिटी में मैं अलग अलग कलर ले लूंगी और इसको एक लाइटर की हेल्प से मेल्ट करना स्टार्ट करूंगी। और अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो आप इस तरीके से एक दिए का यूज कर सकते हो या फिर किसी कैंडल का भी यूज कर सकते हो। जब ये मेल्ट होने लगा तो मैंने उस टाइम पे यहाँ पे नेल आर्ट ब्रश के पीछे पार्ट की तरफ से इसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। ये ना हो तो आप किसी टूथपिक की हेल्प से इसे मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करने के लिए एक फ्लैट ब्रश की हेल्प लूंगी। तो मैंने जैसे ही इसे अप्लाई किया, वैसे ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो मेरे नेल पे थोड़ा सा जला। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसे हल्का सा ठंडा होने दिया और इसे अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो अप्लाई करने में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा गैप आ रहा था वहाँ पे जहाँ पे लग रहा था कि हाँ कुछ नहीं है, तो मैंने वहाँ पे वापस से अप्लाई किया इसे। तो इसकी लेयर जो थी वो और भी ज़्यादा मोटी होती जा रही थी, तो जिससे इसका जो लुक था वो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि आपने कोई रियल नेल पॉलिश लगाई है। पर हाँ, ये ओके वर्क किया। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम पे मैंने सोचा एक बारी और ट्राई किया जाए। शायद मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है और मुझसे नहीं हुआ है ठीक से, इसलिए जब मैंने सेकेंड टाइम अप्लाई किया इसको तो ये भी ठीक किया, पहले वाले से बेहतर था। बबल्स की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसे अप्लाई करने में। और अगर आप इसे बना रहे हो तो प्लीज़ अपने घर का जो फ़ैन वगैरह है उसे ऑफ कर देना। और ये जो सेकेंड वाला था ना, इसके लिए मैंने येलो और ब्लू कलर लिया था। तो मैंने इसे मेल्ट किया और उसके बाद मैंने इसे मिक्स करना स्टार्ट किया। तो पहले जब मैंने मिक्स किया इसको तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके जो बबल्स हैं उन्हें मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दूँ और ये अपने आप जब हट जाएंगे तो मैं इसे यूज़ करूँगी। जब मैंने ब्रश लिया और मैंने सोचा कि हाँ अब इसे भी अप्लाई किया जाए, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये जो सारे कलर्स थे ना वो आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे थे और वो बहुत ही गंदा लग रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो पे। तो ये वाला जो था वो फेल हो गया था। इससे एक चीज और पता चली कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे ऑयल पेस्टर काम करें। और थर्ड वाले में मैंने किसी भी कलर को मिक्स नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट एक बेबी पिंक कलर लिया, उसे मेल्ट किया और इसे अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट लेयर जो थी इसकी काफी थिन अप्लाई की मैंने, सो दैट मैं भी थोड़ा ट्राई करके देख सकूँ कि ये कैसा वर्क करता है और मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। फर्स्ट लेयर अच्छे तरीके से फर्स्ट कोट ड्राई हुआ तो मैंने सेकेंड कोट यहाँ पे अप्लाई किया इसका। तो मैंने सेकेंड वाले पे क्या किया, एक नेल आर्ट करने का सोचा तो मैंने इसको सिर्फ हाफ पे लगाया और हाफ पे मैंने दूसरा कलर बनाया। और सेकेंड कलर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया और उसी पिंक कलर में मेल्ट करने के बाद इसे ये कलर बनाया और इसी से नेल आर्ट किया। और इसको ड्राई करने के लिए मैंने अच्छे तरीके से छोड़ दिया। तो यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ इसका क्या रिजल्ट है। तो ये कैसा लग रहा है, नेल पॉलिश लुक जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पास से कोई देखेगा तो 100% पहचान जाएगा। एक चीज़ अच्छी है कि ये निकल नहीं रही है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे तरीके से रखोगे तो ये चल जाएगी। ओके वर्क है इसका, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने अभी जैसे ही आपको बोला कि हाँ ये निकल नहीं रहा है, वैसे ही ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये निकल गया। तो मैंने अपना नेल लगा के देखा इसको चेक करने के लिए कि ये ज़्यादा टाइम तक हमारे नेल पे रहेगा कि नहीं, तो इससे तुरंत पता चल गया कि ये ज़्यादा टाइम तक हमारे नेल पे नहीं रहेगा। तो ये 100% वर्क बिल्कुल नहीं करेगा और ये आप देख ही सकते हो मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ। तो अब बारी थी हमारे ब्रश को क्लीन करने की। तो मैंने रिमूवर लिया और रिमूवर की हेल्प से सबसे पहले जो बाहर का पार्ट था उसको इस तरीके से मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद एक छोटा सा कंटेनर आप ले सकते हो या फिर आपके पास कोई बाउल हो उसको ले लो, उसमें रिमूवर डालो और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्मूथली आप अपने ब्रश को क्लीन करना स्टार्ट करो। जैसे आप अपनी नेल पॉलिश अपने ब्रश से रिमूव करते हो, सेम उसी तरीके से आपको इसे भी करना है। सो 2-3 टाइम्स आप करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जितना भी कलर है वो आराम से निकल जाएगा।
और यहाँ पे आप देख ही सकते हो हमारा जो ब्रश था वो वापस वैसे का वैसा ही हो गया है, तो ब्रश की कोई टेंशन नहीं। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो अब किसी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप मेरे को नीचे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है जो आप यहाँ नहीं पूछ सकते हो तो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है, तो अब मैं आपको मिलूंगी फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।